नकाबपोश एकेडमी के अंदर घुस जाता है जहां गार्ड्स को प्रवेश करने की इजाज़त नहीं होती। कमरे में फैन फेंग को कपड़े बदलने और लाइट बंद करने से मना करती है, तो वो सीधा सो जाता है। उसकी ब्लैंकेट से बदबू आ रही होती है तो वो फैन के साथ आ जाता है। वो उसे वहां से हटने को बोलती है कि उन्हें वहां कोई आता हुआ दिखता है, और जैसे ही वो खिड़की से आता है तो वो दोनों उसके ऊपर ब्लैंकेट डालकर उसे पीटने लगते हैं। दूसरे कमरे के बच्चे आवाज़ सुनकर उठते हैं, पर ये सोचकर कि वो ख़तरनाक सीनियर वापस आ चुका होगा, सो जाते हैं। वो ख़तरनाक सीनियर और कोई नहीं ली जिन होता है। वैन उसे देखकर खुश हो जाती है और उसे बिग ब्रदर बोलकर गुंडों से बचाने के लिए थैंक यू बोलती है। ली जिन बोलता है, तुम दोनों को किसने कहा कि तुम्हें यहाँ रहने की परमिशन है? दूसरी तरफ सीनियर्स तक भी ये खबर पहुंच जाती है कि ली जिन लौट आया है। उन्हें भी अब होने वाले तमाशे का बेसब्री से इंतज़ार था। ली जिन दोनों को इंट्रो लेता है, ये जानकर कि फेंग नोबल फैमिली से होकर भी वहाँ रह रहा है, उसे बहुत गु़स्सा आता है। वो वैन को भी उसे दूर रहने को बोलता है। उसके हिसाब से नोबल मैन और कॉमनर्स कभी दोस्त नहीं हो सकते। वो वैन को लिटिल ब्रदर बोलकर कहता है कि वो वहाँ पर रुक सकता है, लेकिन फेंग को वहाँ से निकलना पड़ेगा, या फिर वो दोनों ही वहाँ से निकल सकते हैं। ये तो बड़े मियाँ और छोटे मियाँ की जोड़ी बन गई। वैन कमरे से बाहर आ जाती है और उसके पीछे फैन भी आ जाता है। ली जिन उनके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देता है। इधर यू शर्ट हार जाता है कि उन्हें कमरे से निकाला नहीं जाएगा और सबको पैसे देता है। वो दूसरी शर्त लगाने को बोलता है कि वो 3 दिन में वापस कमरे में लौट जाएंगे। बाकी लोग कहते हैं 3 दिन में क्या, 30 दिन में भी नहीं लौट पाएंगे, और शर्त लगा देते हैं। वैन चांदनी रात की तारीफ करती है तो फेंग बोलता है उन्हें अभी अभी कमरे से बाहर निकाला गया है, फिर भी वो इतना चीयरफुल कैसे हो सकता है। वो बोलती है हर दिन एक चैलेंज की तरह ही तो है, उन्हें खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अंदर ली जिन घायल होता है तो वो अपने घाव पर दवाई लगाता है और भाई यू आकर उन दोनों को अपने साथ सुलाने ले जाता है। अगले दिन फेंग और फैन को पाकी स्टूडेंट से पता चलता है कि यू ली जिन का बहुत अच्छा दोस्त है और ली जिन के पिता प्रेसिडेंट के पिता के अंडर काम करते हैं। मास्टर यून मार्शल आर्ट के टीचर ली जिन के पास आकर बोलते हैं कि जिस दिन तुमने यहाँ एडमिशन लिया था तब सबको तुमसे कितनी उम्मीदें थी। मैंने तुम्हें अपनी सारी विद्या क्यों सिखाई, ताकि तुम अपना हाल ऐसा बना लो। आगे सब अपने पैर पानी में सोख रहे होते हैं तो सब नोटिस करते हैं कि वैन के पैरों में बाल नहीं है। फिर वो गौर करते हैं तो मूछें भी नहीं होती। उन्हें लगता है कि शायद वो माल न्यूट्रिशियस है। फिर उन्हें पहली क्लास में प्रिंसिपल हैन से पता चलता है उनके सारे सब्जेक्ट्स और इलेक्टिव के बारे में। उन्हें इम्पीरियल एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए उनमें से एटलीस्ट 100 सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा। आगे उनकी मार्शल आर्ट की क्लास होती है, उन्हें भगाया जाता है, जिसमें वैन की आफत आ जाती है। फेंग उसे डॉक्टर के पास चलने को बोलता है, तो ये सोचकर कि ऐसे तो उसकी लड़की होने वाली सच्चाई सामने आ जाएगी, वो दोबारा भागने लगती है। लॉर्ड हैन इस बात से परेशान होते हैं कि उनकी सच्चाई कोई सामने लाना चाहता है। दूसरी तरफ ली जिन मंदिर में अपने भाई को श्रद्धांजलि देते हुए बोलता है कि वो उन्हें न्याय ज़रूर दिला के रहेगा। वैन और फेंग थके हुए कमरे में आते हैं तो देखते हैं कमरा बहुत गंदा होता है। वो उसे साफ कर कर वहाँ सो जाते हैं। यू ली जिन के पास आता है जो वाइन पे वाइन पिए जा रहा था, और उसके पास पैसे भी नहीं होते। यू उसकी पेमेंट करके उसे अपने घर ले आता है, जहाँ उसे पता चलता है ली जिन को अपने भाई के सामान में से एक बुक मिली है जिसमें सारे ऑफिशियल्स की काली करतूतें लिखी हुई हैं। अगले दिन बच्चों की ट्रायल क्लासेस होती हैं, जिसमें वैन मैथ्स वाली क्लास में बहुत अच्छी होती है क्योंकि उसे पैसों का हिसाब करना ढंग से आता था, पर उसे मेजर मेडिकल क्लास में लेना होता है। अगली क्लास मेडिकल की ही होती है और फिर ड्राइंग क्लास होती है, जिसमें वो ड्राइंग पेपर की धज्जियाँ उड़ा देती है, लेकिन फेंग उसमें बहुत अच्छा होता है। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।